बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन तुसाना मेज़बान सैयद मुंतज़िर इमाम रिज़वी एक बार फिर तुसाने खिदमत हाजिर है। अस मौजूद हाँ इस वेले पिंडर चौक खोखर होटल पर और बड़े सोहने सोहने मेज़बान असां नाल बैठे और बड़िया सोहनिया गल्लां उसन इंशाल्लाह प्रोग्राम ने इस पार्ट भी बड़े अच्छे असां विच फनकार भी बैठे हैं। राजा साजिद साहब असां नाल मौजूद हैं जिहड़े शेर खान और पठवार ने बड़ी कदीम तरीन रवायत है शेरखानी नी। असा उन्होंने को शेर भी सुन सा कोई सियासी समाजी लोगों नाल गल कर सा। शोराज रात भी मौजूद उस्मान असलम साहब असा नाल लाहौर शोराज रात सारे नाल गल कर सा। तो मैं जा सा जी के आपे वास्ती और इस खूबसूरत जी बैठक वास्ते एक बार ताड़ियाँ बजाओ जी। नाजरीन और ये प्रोग्राम तुसा के टू टी वी तो पे तकने हो और ये प्रोग्राम में इस वेले पेश करने वास्ते के टू टी वी नी पूरी डी एस एन जी वैन बेमार टेक्निकल स्टाफ इतना मौजूद ने जिसने विच माड़े साइड पर कैमरामैन अक्रम साहब इस साइड पर यानी माड़े खब्बे पास है जनाब अदनान दानी साहब असाने डी एस एन जी इंचार्ज अदील साहब असाने डी एस एन जी ट्रांसपोर्ट इंचार्ज बड़ी सोहनी जी शख्सियत ने मलक मुलाजम साहब और इस प्रोग्राम ने प्रोड्यूसर जनाब यासर जमान साहब सारे वास्ते एक बार ताड़ियाँ बजाओ जी। असा शुक्र गुजार हाँ जनाब कामरान हामद राजा साहब ने और कैवान राजा साहब ने के टू टी वी ने जेडे सीईओ इनके असानी पठवारी जुबान की उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिता और उस प्लेटफॉर्म ने जरिए असा ये प्रोग्राम पूरी दुनिया तक पे पहुँचाने असानी पठवारी जुबान चूँकि असा उसने पर इस वास्ते ज़्यादा पे गल करने इस मौजू पर कि इन दिहाड़ियों में मरदमशुमारी भी है। इन दिहाड़ियों में असा नाल एक होर भी नाइंसाफी हुई है नादरा ने प्लेटफॉर्म तो और सारा कुछ असा सारे बखूबी जानने हाँ। लेकिन जिस तरह पिछले प्रोग्राम में राजा एजाज साहब गल की कि असा ना पठवार जड़ा खिता ये इतना सारिया की काम कारोबार रोज़गार देने वाला खिता कैपिटल इस्लामाबाद मौजूद है बड़िया बड़िया हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद जिते पूरे पाकिस्तान के लोग अच के रोज़गार हासिल करने और बड़ी इज्जत नाल पे जिंदगी गुजारने असा मुहब्बत वाले लोग हाँ। लेकिन असा अपनी जुबान नी हक तलफी कदे भी ना होने देन लगे और असा इे करारदाद पेश करने वास्ते बिलखसूस प्रोग्राम अरेंज किया। तो मैं चाहसा जी के प्रोग्राम ने आगाज़ असा एक बार फिर शुक्रिया अदा करा अली रज़ा खोखर साहब ना और जनाब चौधरी ताहिर महमूद साहब ना कि जेडे खोखर होटल ने मुंतजमीन और डॉक्टर अतीक फराज साहब चेयरमैन पठवार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तशरीफ फरमान और आरीन इस प्रोग्राम की अरेंज करने वाले और इस प्रोग्राम ने कोऑर्डिनेटर जनाब खुरम शहजाद साहब इन्होंने भी मेहनत और अस उन्हें मेहनत की कदर करने और खराज तहसीन पेश करने हैं। इस प्रोग्राम की तुसा तक पहुँचाने वास्ते जो सारे स्पॉन्सर हासिल है जी इम्तियाज साउंड सिस्टम जो सुन जी जनाब सोहने सोहने गुलकारा सोहनी सोहनी आवाज़ा सुनने हो पे और फनकारा ने इम्तियाज साउंड सिस्टम कोटा रोड चक कामदार और गोसिया लाइटिंग एंड डेकोरेशन सेंटर नज़द गुलबर्ग ग्रीन गला स्टाप ये उन्होंने तावन हासिल है। इस तू अलावा जनाब बर्क अंदाज टेंट एंड कैटरिंग सर्विस और गोसिया स्टाम चैम्बर काक पुल इस्लामाबाद कमीशन शॉप मार्क्स बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने सीईओ बैठे असा जनाब और राजा मार्शल आर्ट्स क्लब मदनी टफ टाइल जताला ब्लॉक एंड टफ टाइल फैक्ट्री जापान रोड और बुराक फोटो स्टूडियो कोराल इन सारे वास्ते भी एक बार ताड़ियाँ बजाओ जी। इन्होंने तावन असा हासिल बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी सारिया ने असाच मौजूद प्रोग्राम ने असा आगाज़ कर सा। चौधरी कामरान शहजाद उम्मीदवार ब्राय चेयरमैन यूसी मुगल आओ जरा टिशू भी नाले चाण आए नौ तक मिठाई कुछ आंदी आसो ना जी मेरे
और चाचे पंप क्वालिटी आपको भी गाने लोगों के भी खिलाने स्पेशल की नहीं खाया। बड़ी मेहरबानी इस मौके पर आख्या कैसे जो शेरखानी ने अंदाज आहा इस मौके पर आखना आखना वे चलना पैना महबूब दी नाल मर्जी लिखनी पैनी आज दे नाल अर्जी रूठे नू यारो मनाना पैना उसने दुख नू अपना दुख बनाना पैना जिथे इश्क वे जिथे प्यार वे उथे यार नी आंच भी खानी पैनी ओ बोलन या ना बोलन ओ यार नी कदमा विच जाना पैना निके पापे नी वेल ए तखो तुसाणी ओ माड़िया तू मां कोनी ए तखो ए सवा करोड़ निका जातक नाम देण आया ए नाम अथा पुत्र दसन क्यों देता है इसकी नाम सच्ची बाई ओ दरो दर तक क्या नाम आ तुसाला मोहम्मद अहमद मारो जी ताड़ियां मोहम्मद अहमद निया इसकी नाम क्यों देता सा डांस अच्छा करे आए आए आखरे डांस अच्छा करे तो गाने भी अच्छे गाने पे बड़ी मेहरबानी हूँ माड़े सिर पर कदम लवो तो कुरे उधर बो कोई माड़े की कोई कुर्सी कोई मेज कोई मूढ़ा कोई लोग बड़ा प्यार करने बढ़िया मफता देने नहीं नहीं तू बंदा बिल्कुल आने ना बल्कि दो आने ना और लोग इज्जत करने तो इस मकाम पर फिर पता है क्या आख्या जिस तो हूं चौधरी कामरान और बैठे नहीं पुलिस जाना ना जी पुलिस जाना माफी दे पुठे हाथ ना सुबाद तो सा कुछ आख्या जी चोई साहब बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया मैं केटू टीवी नहीं पूरी टीम ना और खास तौर पर डॉक्टर अतीक साहब ना शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने इतना जबरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया बड़ी मेहरबानी जिस तरह सारे ही पता कि साढ़ा तलक भी खिता है पठवार नाला और जेड़ा बंदा भी जेड़ी टीम भी खिता है पठवार आस्तै और उसनी सकाफत आस्तै कम करनी पी असा उसने नाल हर फोरम पर इंशाअल्लाह उन्हें ना लिया और जितने दोस्त अहबाब इत्थे आए उन्हें इस प्रोग्राम की रौनक बख्शी और चार लगाए और ख़ास तौर पर इस टीम ना मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करना कि तुसा इत्थे असा की दावत दी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी बड़ी मेहरबानी शकूर हसन साहब तुसा जरा बाओ थोड़ा जहा कि असा चूंकि बार बार पे आखने हैं कि असा नी जुबान नी हक तलफी पी होनी है नादरा तुम्हें खारज कर दिता गया पठवारी वाला कालम कि पठवारी जुबान की ख़त्म कर दिता गया मरदमशुमारी लिखाने चुं ख़त्म कर दिता गया तो थोड़ा जहा दसो तकने वालियां की और करारदाद पेश करो करारदाद दे मजम्मत पेश करो इस प्लेटफॉर्म तू ताकि पूरी दुनिया तक आवाज़ पहुँचे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बहुत मेहरबानी जी शाह जी तुसाना तो केटू चैनल आ जाना तो डॉक्टर अतीक साहब ना अच्छा अजकल सारे दोस्त बाप जी सुगा नड़ के इस वे मर्दमशुमारी आगाज़ हो चुका तो उसने ज़्यादा चीज़ अकाउंट की जानी है वो जिस इलाके जाने होता है लाजमी उसकी जबान अकाउंट होनी है तो फिक्र होने फैमिली ने उस बाद अकाउंट किया जाना उस इलाके की जबान केड़ी है या फिर दूसरा जैसा मसला होना नादरा वो जहर और शनाख्त का शनाख्त कार्ड बनना उतें भी जबान लिखी जानी है लेकिन अलमिया यह है कि मेरा ख्याल पूरी दुनिया तक जानने उस जितने दोस्त अपना पढ़े लिखे लोग बैठे ना कि पूरी दुनिया एक तरीक चली है कि जड़िया जबाना खत्म होनी पियां उन्हें कि सरकारी तौर पर सपोर्ट किया जाना कि उन्होंने जोड़े लोग लिखारी या जोड़े बोले उन्हें किसी तरी सूरत सामने आया गया उस बाद जो तहजीब है कल्चर ही उन्हें कि सरकारी तौर पर सेव किया जाना प्रमोट किया जाना लेकिन असर ने पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एक अलमिया बनता वा कि सारे दोस्त बाप जाने खिता पठवार बू कदीम खिता वै उस बाद बहुत पुरानी कई हज़ार साल पुरानी जबान है अच्छा उस बाद जो सारी पट्टी जी सुहानी है इतने पहले इंसान ने कदम भी मौजूद न यह तरीक आखनी मैं ना आखना इतने कदम पाए गए न इस हवाले न खिता पठवार ने एक अपनी इनफरादी पहचान है फिर उस बाद जो एक और मसला होना असा खिता पठवार ने किस इलाके चले गए
असा तक पाकिस्तान किस एरिए कश्मीर नालू अगे निकल जाने असा हजारा पट्टी क्रॉस करने पेशावर असा निकल जाने चले जाने कराची तो अगर उसे गुफ्तगू करने तो उत्थे ही आने तुम पठवार ने तलक है तुम पठवार सो आए हो तुम जबान पठवारी है वह बचाने कि लेकिन इतने अलमी यह चलिया कि कुछ ऐसे लोग न जोड़े वो पाक असन खिता पठवार की शनाख खत्म करने पड़े जी इतनी जबान है वह कह रहे यार एक जबान नहीं है ये एक पंजाबी जबान उन्हें लहजा इन कोई अहमियत नहीं है इस खातर स्टेप आया गया कुछ ऐसे लोग न जोड़े असन शनाख खत्म कर रहे उन्होंने ज्यादातर मैं ना आखना लेकिन चंद लोग ऐसे न जिन्ना बकात बकायदा रैट न उन्हें की तरीक पेश की है उस बाद उन्होंने लैटर लिखे ने नादराज मर्दोशुमारी कि यह मा पठवारी जबान कोई नहीं है ये एक पंजाब ना हिस्सा वै ये एक लहजा वै इन्हें कि अहमियत दो और जदों मर्दोशुमारी है या जिथे जाके टीचर उतें इंदराज करो उतें तुम पठवारी जबान नहीं लिखनी बल्कि उतें पंजाबी जबान लिखनी है एक बहुत बड़ा जुल्म है उस बाद नादरा अंदर असन ऑलरेडी जरा इस तरह इंदराज हो गया पठवारी जबान ना 21 फरवरी 2022 लेकिन कुछ लोग जड़े हैं जड़े वो असने तोमप्रस्त अमराना सोच मालक न जड़े किसी तहजीब कल्चर की अमीत नहीं देने जबान की अमीत देने या जड़े पाकिस्तान ने आइन की खिलाफवर्जी करने न पाकिस्तान आइन तुसा जाके पढ़ी लिखो हर इंसान की उसने मजहब उस फिरके उन्हें जबान कल्चर ने फरोग बकाने खातर कम करने इजाजत देना चाहे वह बंदा किसी महकमे नाल भी है कोई वेलफेयर ने कम करना चाहना जबान खत्म कम करना चाहना वो किसी फोर्स ना भी है तो उन्हें की राइट है कि वह अपने जबान कल्चर तहजीब ने खातर कम कर सकना और उन्हें खातर अपनी तकदो कर सकना लेकिन इतने जोड़ा अलमिया बनता वा कि असर ने उतों भी ना इन्होंने लोग एक कहना है उन्हें अपने जोर उन्हें ना कटाई छोड़ा नादरा अंदरू तो एक चीज़ याद रखो जी कौम होनी है उसकी सब तो बड़ी शनाख्त उन्हें जबान अपना कल्चर तहजीब होनी है वाह वाह अगर अगर कोई कौम है अगर आपकी जबान अपनी कल्चर तहजीब नहीं महफूज नहीं होनी है पूरी दुनिया शनाख्त खत्म हो जानी है जिंदा कौम हमेशा अपनी जबान कल्चर की हिफाजत करनी और बकार जंग लड़नी और इन खाते तकदो करनी यह बहुत बड़ा एक कलमिया बनता कि असर ने जोड़ा इस वेल मर्दमशुमारी हो रही है नादरा होता पठवारी जबान ना कड़िया गया असा सारे खिता पठवार ने अगर बहुत खूबसूरत तरीके दोस्तों ये डिफाइन किया खिता पठवार एक मदूद नहीं है खिता पठवार ने जितना लिंक असा ना ये जितना एरिया है असा ना रावला कोट है असा आ जाना मीरपुर है टुडियाल है कोटली ये जितना एरिया असा सारा सैटअप सारा खिता पठवार है और इसनी जी पुरानी और कदीम जबान है पठवारी जबान है बहुत जबरदस्त बहुत खूबसूरत गल और असा इस प्लेटफॉर्म तो सत बिस्मिल्ला ने प्लेटफॉर्म तो इतने ज़्यादा मुअसर अहबाब की मौजूदगी जिसने भी सियासी रहनुमा भी असाने मौजूद न और लिसानी हवालिया नाल गल करने वाले अहबाब भी मौजूद न असा करारदाद मुजम्मत पेश करने पठवारी जबान की नादरा ने फार्म चू कढ़ने नहीं भी और मरदमशुमारी ने फार्म चू भी कढ़ने नहीं भरपूर असा मजम्मत करने और असा मुतालबा करने कि असानी इस जुबान की इन दोवें फार्मा विच शामिल किया गया है ये साड़ा पैदाइशी हक है इे गल है जी तो बाबा जी ये प्री प्लानिंग हुई है साजिश हुई है मैं एक गल सारियों की आखसा जितने भी सारे पठवारी भरा हुए ना चाहे वह मैं एम पी ए सियासतदान भी है और संघी इलेक्शन ही ना लड़ो वोटा ही ना दो मकाओ गल्ला की वोट ही ना पाने तू और गल पे कर था सियासी बैठे नहीं मारसन नहीं सारे लेफड़े वोट ना पाने मां बोली नहीं गल होनी है तथा सुना जरा मां निशान गल जड़ी करने ऐसा गल इस तरह नहीं है कि सारी शनाख्त खत्म करने पे असा फिर वोटा गोटा उन्हें की क्या दी है ओए तने ने शनाख्त खत्म कर ले चलो जी फिर आखड़ो तुसी आयो ते जाना नहीं सानू पावे भुल जाना सड़ा प्यार भुलाना नहीं सानू पावे भुल जाना सानू पावे भुल जाना सड़ा प्यार भुलाना नहीं कोई कोड़े नाच करेंदे नहीं आख जाके सजना नू दुखी याद करेंदे नहीं आखी जाके सजना नू आखी जाके सजना नू दुखी याद करेंदे नी कुगी बन्ने उते बह गई आ
ਘੁੱਗੀ ਬੰਨੇ ਉੱਤੇ ਘੁੱਗੀ ਬੰਨੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਯਾਰੀ ਲਾਣੀ ਆ ਤੇਲਾ ਛੁੱਟੀ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਯਾਰੀ ਲਾਣੀ ਆ ਤੇਲਾ ਯਾਰੀ ਲਾਣੀ ਆ ਤੇਲਾ ਯਾਰੀ ਲਾਣੀ ਆ ਤੇਲਾ ਛੁੱਟੀ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਕੋਈ ਪੀਰ ਚਵੇ ਚੂਰੋਈਆਂ ਜਾ ਕਿਸੇ ਮਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਇਰ ਸਵੇ ਦੂਰੋਈਆਂ ਜਾ ਕਿਸੇ ਮਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਿਸੇ ਮਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਇਰ ਸਵੇ ਦੂਰੋਈਆਂ जितनिया चीजां गणाईयां ने घरों नहीं खाने अगे फिर आपू साहब ला के ना करने कह तुसा माड़ी इज्जत की बेइज्जती की समझ नहीं लगी गला जी शकूर भाई सबसे पहले डॉक्टर अतीक फराद साहब काबिल एहतराम सैयद मुंतज़िर इमाम रिजवी साहब उस बाद के टू चैनल ना बहुत शुक्रिया बहुत नबता जिन्हें इतना टाइम दिता एक गल लाजमी कर सके बहुत अच्छे तरीके मैं अक्सर एपिसोड तकना रहना जिस तरह ने शो हो रहे इन्हें जोड़ा मेन किरदार असन आ रहा वह चाहे किसी हवाले नाल है वह कंपेयरिंग हवाले नाल है तकलीकी हवाले नाल है या उसने ड्रामे हवाले नाल है या एक्टिंग हवाले नाल है उन्हें मैं लाजमी गल कर सा नज़ाकत अली मिर्जा साहब इन्हें भी बहुत अच्छे तरीके नाल खास कर पुठवारी कल्चर तहजीब की बड़े अच्छे तरीके नाल प्रेजेंट करने इस पंप पे ही ना है नज़ाकत अली मिर्जा साहब शुकूर साहब नहीं वे अच्छा बहुत ढेर सारे पैसे नहीं वेलो ये बड़ी खुशैन गल है जी कि खासकर जो किरदार है असन के टू चैनल ना वो पूरे जिथे असन है न किता पठवार है या सुल्लाबाज इलाके ने उन्हें जितनी तहजीबा है कल्चर जबान की प्रमोट करने बड़ा किरदार है बहुत शुक्रिया फिर जरा सा खास किता पठवार है उसकी जरा प्रेजेंट कर रहे सही है मुंतज़िर इमाम ये बड़ी खुशैन गल है कि असन ऐसे फील्ड है कि असन हर फील्ड कोई ना कोई बंदा है बैठा हुआ वो होना भी चाहिए अगर असन कुछ लोग दो स्वाब अगर कोई शायरी कर रहे तो अपनी जबान की प्रमोट कर रहे किताबा लिख रहे या असन नसल कम कर रहे कुछ लोग होने पब्लिशिंग वाले ने होने ने वह या वो रसाला कट रहे मैगजीन कर उस वाले ने पठवार ने या अपनी जबान खिदमत करने ने बाकी जिते तक अपने कल्चर तहजीब की प्रमोट किया जाना उन्हें की पूरी दुनिया च प्रजेंट किया जा रहा उस बड़ा अहम किरदार मुंतज़िर इमाम रिजवी साहब ने अक्सर होना कि कुछ आख्या जाना यार कुछ बंदे चले गए वह खलात रहना लेकिन कुछ शख्सियत अल्लाह ताला वो इलाके पैदा कर देना जो वो उस इलाके की अगे खड़निया वो खड़निया भी चाहिए तो यह बहुत खुशैन गल है कि असन अजय घराना है सादात कोट सैदा कुछ खान होना बहुत अहम किरदार है जो जद भी असम मीडिया वाले तकने कै रेडियो है कै टी वी है उन्हें खास इन्होंने लोगों का किरदार है और एक किरदार ता ही अदा करने कि इन्हें अंदर जहर अपने इलाके की मुहब्बत है अपने कल्चर है तहजीब ना मुहब्बत है तो बंदा अगर जाके इतना तो सफ़र करना और लोगों इकट्ठा करना और अपने इलाके की अगर प्रेजेंट करना बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी शायरी नहीं गल की है तो कोई सुनाओ ना कोई शायरी सुनाओ है सारे सुनने वाले लोग बैठे और मुहब्बत वाले लोग बैठे और शुकूर पापा जी ये जी शायरी सुनाओ के बनी बिस्तरे छोड़ो है वैसे भी हूँ गर्मियाँ आ गई सर्दियाँ जाड़ियाँ पिया चलाइया रजाइया बनी कपड़ संदूकों स्टोर बंद करिए अच्छा सर मैं ज़्यादातर मेरा फील्ड एक तो उर्दू अफसाना है दुए तो पठवारी गज़ल है तो पठवारी गज़ल है चंद शेर दो त्रै गज़ल सुना सके पैर न टिगण किसै जाई अंदर सोने बैठक लाई हाय 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 पैर न टिगण किसै जाई अंदर सोने बैठक लाई अखियां अंदर बत्तर चोखा ओठां अपर जम्मी काई हाय 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 अखियां अंदर बत्तर चोखा ओठां अपर जम्मी काई तो उऐ आण कुड़की फसे जोर उऐ आण कुड़की फसे जिन्ना आप कुड़की लाई हाय हाय
मेहरबानी जी मकर है, मकर है। आन कुड़की फसे जिन्ना आप कुड़की लाई ते तुकी असना तखी कहता है। नजाकत साहब तुकी असना तखी कहता है बेड़े विच में लुटी पाई। तुकी असना तखी कहता है बेड़े विच में लुटी पाई ते आपे नाल में गल्लां बाईयां आपे नाल में गल्लां बाईयां आपे कोलू आप लुकाई। आपे नाल में गल्लां बाईयां आपे कोलू आप लुकाई ते अपने अगे शीशा रख्या अपने अगे शीशा रख्या आपे कोलू जान छड़ाई। एक और पठवारी गजल है कि जड़े लोग सियाने ने अपना आप छुपाने ने डॉक्टर साहब जड़े लोग सियाने ने अपना आप छुपाने ने इन्ना पर हक है ना मुट्ठी भी जो दाने ने इन्ना पर हक है ना मुट्ठी भी जो दाने ने तो अपनी हालत तकने नी अपनी हालत तकने नी मिकी मता लाने ने अपनी हालत तकने नी तो मिकी मता लाने ने तो ऐसन की तकने मारियो ऐसन की तखने मारियो एवें अड्डियां चाणे ने। क्या कहने जी बड़ी खूबसूरत शायरी पेश पे करने संस्कूर एहसन साहब और इन्होंने ये शायरी जड़ी है इसने वास्ती असा नाल तावन कीता जी बर्क अंदाज टेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज जिसने प्रोपराइटर चौधरी अब्दुल रऊ साहब गोसिया अष्टाम चैम्बर काकपुल प्रोपराइटर मोहम्मद वकास अब्दुल्ला साहब इस्लामाबाद कमीशन शॉप मैन कौटा रोड सियाला बागा तो इन्होंने बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने लोगों की वजह नाल ये बैठक सजनियां तो बहुत शुक्रिया जी शकूर भाई तुसा नाल गलबात होनी रह सी असां च होर भी है बाब मौजूद असं गल कर सा जनाब खालिद महमूद क्यानी साहब नाल थोड़ी जी गखड़ फेडरेशन ने हवाले नाल और पठवार की और पठवार ने लोगों की जोड़ के रखने विच इन्होंने बड़ा किरदार है और बहुत बड़ी इन्होंने तंजीम है कि जिसने तहत ये पठवार की तरवीज वास्ते काम करने पठवार ने तारीखी हवाले नाल काम पे करने जी क्यानी साहब सब तो पहले शुक्रिया तुसा आए हो और फरहान खालिद क्यानी साहब भी तशरीफ फरमान उन्होंने बैठे हो बैठे उन्होंने बहुत शुक्रिया जी क्या आखना चाहते बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सब तो पहले तो मैं के टू टी वी चैनल उन्होंने पूरी टीम और बिलखसूस सैयद मुंजर इमाम रिजवी साहब ना बहुत शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें पठवारी जुबानी तरवीज वास्ते सत बिस्मिल्लाह प्रोग्राम शुरू किया और ये प्रोग्राम जड़ा वो ना सिर्फ पठवार बल्कि पूरी दुनिया भी सुनिया जाना जिते जिते पठवारी जुबान बोलने वाले वे वो इसी जरूर सुनने और सराने पठवारी जबान जी है एक बहुत बड़ी जबान है छोटी जबान नहीं बिलाशुबा करोड़ों लोग इसी बोलने वाले वे ना सिर्फ पठवार बल्कि बैरून मुल्क मुकीम साढ़े पठवारी भ्रा बहुत बड़ी तादाद यूके आबाद है अमेरिका आबाद है कनेडा आबाद है और आस्ट्रेलिया उस तो अलावा यूरोपीय यूनियन तमाम मुल्कों में आबाद है तो इस सरहदा जीडिया अज तो अस आखने कि रावलपिंडी डिवीजन है लेकिन 1765 जरा आखिरी बादशाह सुल्तान मुकर्रम खान पठवार ने उन्होंने दौरे हुकूमत पठवारी सराज जी है वह अटक तो लैके मियाँवाली और इधरों अटक तो लैके दरियाए चनाब तक सी और हूँ भी तुम सारे दोस्त जानने हो कि पठवारी जबान जेलों तो नहीं बल्कि अगे भी पठवारी जबान ही बोली जानी पठवारी जबान ने हवाले जी मैं गल करना चाहना वो है कि तुसा सारे दोस्त जानने हो कि अजकल अपनी मरदमशुमारी मतलब उसका आगाज हो गया लेकिन साड़ी बदकिस्मती है कि पठवार जेड़ा कि पाकिस्तान बाजू है शमशीर जन है उसने जी अस जबान बोलने उसी बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिता गया और जबाना जड़िया मतलब उसने उस लिस्ट खारिज कर दिया गया अदरस यानी दीगर जमाना विच उसी मतलब शामिल किया गया तो मैं इस प्रोग्राम ने तवस्त नाल हुकूमत पाकिस्तान तो ये गुजारिश कर सा कि बहुत बड़ी तादाद पठवारी जबान बोलने वाले इन्हें इन्हें जबान की
इग्नोर ना किया जाए। और इसी की ना सिर्फ नादरा ने जबाना ने मतलब लिस्ट शामिल किया जाए बल्कि जी मरदमशुमारी है उसने पोठवारी जबान की शामिल किया जाए। बहुत शुक्रिया जी कियानी साहब, बड़ी मेहरबानी तुसा नाल गलबात हो सी। तुसा नाल मौजूद ने बड़े अच्छे गुलकार न और इस इलाके नाल तलक रखने सियाले नाल गाना गासन जी फोक सिंगर तुसानिया बहुत सारिया ताड़िया विच कामरान कियानी। बात सन खिदमत इजाजत सन मेजबान सेहत मंजर इमाम रिजी प्रोग्राम है साथ बिस्मिल्लाह के टू टीवी पे प्रोग्राम पे सन तकने और बड़े सोने सोने मेजबान असा नाल मौजूद ने चौधरी जुनेद तारिक साहब उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूसी सियाला। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। नौजवान शख्सियत और मैदान अमल जी चौधरी साहब क्या आखना चाहो? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं के टू टीवी ना ते डॉक्टर अतीक साहब ना बड़ा मशहूर हाँ कि उन्हें माड़े की इतने दावत दी तो मैं आया सत बिस्मिल्लाह प्रोग्राम में। बहुत अच्छा प्रोग्राम आ, असानी पटवारी जबान की फरोग देने मारे हो ये प्रोग्राम चलाना मैं आना कि बहुत बड़ा स्टेप आ। तुसां की हराज तहसीन पेश कर रहा इसने पर ते इंशाल्लाह ताला असा तुसा नाल आ, तुसा नाल इस जबान की फरोग मारे हो, असा तुसा नाल शाना बशाना टुरसा जिथे असा की आखसो असा आसा असा इस जबान की प्रमोट करने मारे हो पूरी एफर्ट कर सा। मैं बड़ा मशहूर हाँ सारे ना, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। और चौधरी जुनेद तारिक साहब ना जो वाइस चेयरमैन चौधरी बरार अहमद साहब यूसी सियाला, तुसा ने बहुत शुक्रिया जी, बड़ी सोहनी शख्सियत ने तुसा ही मान लो कि नौजवान प्रोग्राम में आए हो, बड़ी मेहरबानी, क्या आखना चाहो? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सब तो पहले तो मैं डॉक्टर अतीक साहब ना शाह जी तुसा ना और तमाम टू टी वी वाले सारे ना मशहूर हाँ कि तुसा पंडर नहीं धरती तो अच्छी तरह एक कदम चाया और इतों ही स्टार्ट किया है। उस तो अलावा मैं जड़े मैं तुसा नाल भी मेजबान नहीं हैसीयत नाल राजा साजद साहब ना जड़े शरखान है और साइं जुल्फकार साहब ना उस तो अलावा नंबरदार शाहदरा ना अज साकर तरफों भी मैं इन्होंने सारे तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना वा। तो दूई गल ये कि नादरा वाले ने जड़ी असानी पठवारी जबान नहीं करने पे असा लोग बड़े मिठे जे लोग हाँ तो साढ़ा पानी बहु पठवार ना मिठा वा तो उसने असा मिसाल दे सकने कि इस्लामाबाद पूरे पूरी पाकिस्तान जो जड़े लोग आनी इतने बैठे हुए ना जड़े आज ये पठवारी जबान खत्म करना चाहे या असानी शख्सियत की खत्म करना चाहे आज मैं तुसा ने इस प्रोग्राम ने विसात नालू ना कि ये जरूर आखसा कि ये पाकिस्तान ना एक हिस्सा बात इन्ह लोगों की तुसा इस जबान की खत्म नहीं करी सकने ये इंशाल्लाह असा इसने पूरी कोशिश भी कर सा तुसा नाल और इस पूरे खिताए पठवार नी तरफों मैं पैगाम नादरा की असा देने उस महकमे की कि यार इन्ह लोगों ने तुसा इस जबान असानी एक पहचान ही है जिसकी असा कदे भी खत्म ना होने देने और असा इंशाल्लाह तुसा नाल आ और ये जड़ा प्रोग्राम होया इस तू अलावा तुसा हर जय प्रोग्राम कर सो इंशाल्लाह असा हाजिर होसा और तुसा ना साथ देसा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी और गल की जी तुसा चौधरी साहब माँ बोली नहीं तो असा नाल उस्मान असलम साहब मौजूद ने ऐ कोई एक अद कलाम सुना सटो बड़े अच्छे शायर दौलता आला से तशरीफ फरमाओ, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया शाह जी, तुसा सबसे पहले मैं डॉक्टर अतीक साहब ना मशहूर हाँ तुसा ना मशहूर हाँ के टू टीवी ना मशहूर हाँ जिन्हें अज ने इस इतनी प्यारी बजम में मिकी मधु किया ते दो चार गल्लां तुसा की सुनाना कि डिठा अजब निज़ाम मैं जिंदगी ना वाह 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 डिठा अजब निज़ाम मैं जिंदगी ना किधरे मुश्किल किधरे आसान जिंदगी किधर पत्थरां ने विच ए मिल गशनी किधर लबनी विच आबे रवान जिंदगी दिसनी मौत न मिकी जहान अंदर ये जहान जिंदगी हो जहान जिंदगी
मंजिल मंजिल तो बाद एक होर मंजिल मुकनी कदे भी नहीं उस्मान जिंदगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या पूछना है हाल इस जिंदगी ना, असा खारा ने विच है गुजारी जिंदगी। उजड़ गया चमन बहार रुस गई, रही असरती वसल नी सारी जिंदगी। दर्दो गम ना रहा न कोई साथी, बन गई मुसीबत हे भारी जिंदगी। नाम यार ने असा ये ला छोड़ी, साड़ी केड़ी उस्मान एक कारी जिंदगी। वाह वाह, बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। तो हूँ नाजरीन असा सुनने राजा साजिद साहब ने सोहनी जी और मिठी जी सुरीली ने आवाज इच पठवार निशान तशान पठवारी महफल पठवारी शेर। ये रब दा हुकम के माताई हाय नरमी नाल यार गल दा मोड़ दियो, ये किसे दल तू मानू ना चिड़को। मारिए मां आवाज जे तुसा ताई हाय तुसी मेरी इबादत भी छोड़ दियो, ये हाफिज नफला दी नीत भी मां बदलिए। Yeah, this is my mom, it's my mom, all boys।
कसम होए रब दी ये ताना ता वास्ते मां नू रब कहना शहर के नबेलिया ये बदल नसीब बद बख्त है ओ बच्चा बदल नसीब बद बख्त है ओ बच्चा ओ मनदा मां दा जेड़ा अशारा नहीं ओ ये जेड़ा मां कदमा दा बने जल्ला हाँ दा गर्दश विच उसका सितारा नहीं हो नाज़रीन वेला तो वेला होना आखिर मुख गिछना चंगा होवे मंदा होवे ते असां दा वेला तो चंगा सी बहु बड़े सोहने सोहने लोग बैठे सन पर टाइम हो गया ख़त्म। तुसा राजा साजद साहब ने सुनो जी शेर और अपने मेज़बान सैयद मुंज़िर इमाम की दियो इजाज़त। इंशाल्लाह अगली बारी कुसै होर जगह पर सत बिस्मिल्ला नी बैठक किन के हाजिर हो सन, लेकिन उस तू पहले चाचे पंप ना पैगाम भी सुनो। हाँ जी चाचा। ओ सजनो मित्रो वेलियो पहला ते भराओ जरे नेड़े नेड़े आओ जे तुसा चाहने हो के ये जे प्रोग्राम तुसा ने इलाके विच होया है ते जेड़ा नंबर चलना पेना जी K2 टीवी ना इसने पर जनाब कॉल मारो टेली खड़काओ ते गड्डी ते पूरी टीम डिडल करी तुसा कोल पहुंची। सोने अल्लाह ने वाला है।